हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। ठीक है, जो लोग भी शादी के लिए देखना चाहते हैं या फिर मैरिज लाइफ में आपका प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, या फिर जिनका मैरिज हो गए हैं आप लोग सेपरेशन में हैं अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ, या तो फिर हो सकता है कि मैरिज लाइफ में आप हैप्पी नहीं हैं, टॉक्सिक मैरिज है, आप किसी अदर इंसान के साथ जो है अपनी लाइफ को देख रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आ जाए आपकी पसंद का, या फिर कैसा होगा ट्रेडिशनल वे में शादी होगा कि जिनको आप पसंद करेंगे उनके साथ ही होगा। तो चलिए, आप कोई भी एक पायल को चूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंसान देख सकता है, मेल फीमेल सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स यूडो हर कोई देख सकता है। अगर आपको शादी के बारे में इंटरेस्टेड है, आप मैरिज के बारे में आपको जानना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो खूबसूरत सा कार्ड है, ठीक है, तो जो भी कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ आप उन कार्ड्स को चुने, ठीक है, एज अ पायल, क्योंकि दो पायल है, दो कार्ड्स के लिए अलग अलग से हम रीडिंग करने वाले हैं, तो आपको कोई एक पायल को चूज करनी है। और मैंने आपकी जो है सिलेक्शन को ईजी करने के लिए कि आप कौन सा पायल को चूज़ करें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेटर भी रख दिए हैं। पहला जो कार्ड्स है उसके लिए ए आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर बी आपको अट्रैक्ट करे तो आप बी चूज़ कर सकते हैं लेटर, ठीक है, या फिर कार्ड्स के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कार्ड्स के हिसाब से आपको चूज़ करने में दिक्कत आ रहे हैं तो आप जो है लेटर के हिसाब से चूज़ करें। पायल वन होगा यहाँ पर ए, पायल टू होगा यहाँ पर बी। ओके, कार्ड्स मैं उठा को दिखा देती हूँ आपको। तो फर्स्ट पायल जो यहाँ पर है वो है दिस सन कार्ड, और यहाँ पर खूबसूरत सा एक लेडी है। ओके, और इसका राशि जो है लियो पकड़ सकते हैं, यानी सिंह राशि है। और ये जो कार्ड्स है क्वीन ऑफ वैंस के कार्ड्स है, एक खूबसूरत सा चार्मिंग सा लेडी है, और राशि इस कार्ड में आते हैं एरिस लियो सजिटेरियस। तो कुछ भी हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर लेटर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ए लेटर आप चूज़ कर सकते हैं, बी लेटर आप चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अब अपने हिसाब से सोच समझ कर कोई भी एक पायल को आप चूज़ करें, ताकि आपको जो है इजी हो आपके लिए प्रेडिक्शन। और चूज़ करने के बाद अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहा है, अगर पायल वन की एनर्जी आपको रेजोनेट कर रहा है, अगर आपने पायल वन चूज़ किए हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको दिख सकता है। और अगर आपने पायल टू चूज़ करते हैं और पायल टू का जो एनर्जी है आपको रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली पायल टू के रिजल्ट आपको दिख सकता है फ्यूचर में। तो अगर आपने कोई भी एक पायल को चूज़ किया और वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है आपकी सिचुएशन के साथ, तो आप सेकेंड पायल को भी देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करता है या फिर जो पायल आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है उसकी रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में दिखेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो शायद थोड़ा लंबा हो गया है जो भी मैं बोल रही थी, तो इसको थोड़ा आप इजी ले लीजिए और रीडिंग को चलिए देखते हैं आगे। तो पहले हम इस डेक से ही लेते हैं, प्लीज एंसर गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जो लोग भी पायल वन को चूज किया है, मेरे व्यूअर्स जो लोग भी पायल वन को चूज किया है, उनका शादी किसके साथ होगा, प्लीज एंसर गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी पायल वन को चूज किया है, उनका शादी किसके साथ होगा, क्या लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। पायल वन वालों की लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज, प्लीज एंसर गाइड करें। पायल वन वालों की लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज, पायल वन वालों की लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या तो आप फैमिली पर्सन हैं, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी फैमिली पर्सन है यानी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और किसी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी की वापस आने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी का प्यार का ऑफर आए सामने से उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं,
और आपके रिश्ते में या फिर आपके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। या तो जिनको आप चाहते थे या फिर चाह रहे हैं उनके साथ ही आपका ब्रेकअप हो गया है, रिश्ता ख़त्म हो गए है, या फिर ख़त्म होने की कागर पे है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और आप इंतज़ार में हैं कि कब तक। शायद टैरो रीडिंग देखते देखते आप होपफुल है और आपको लग रहा है शायद उनकी तरफ से कॉल मैसेज टेक्स्ट आ जाए, ऐसी एनर्जी में आप है करेंटली। और यहाँ पर कॉल मैसेजेस की भी एनर्जी है, साथ ही साथ नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। तो कुछ लोग को कॉल मैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए कैंसर हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। एरीज लियो सजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। तो कौन है वो पर्सन जो आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज सेंट्रल गाइड्स करें। जो पर्सन पास्ट में आपको चीट किया था, धोखा दिया था, ठीक है, या फिर आपका दिल दुखाया था, वही पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं। और किसी किसी केसेस में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, आपके पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर मम्मी पापा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो पुराना पर्सन वापस आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगा, ठीक है। प्लीज एंसर गाइड करें। पायल नंबर वन, जो लोग भी ए लेटर को चूज किया था, उनका शादी क्या लव मैरिज होगा, प्लीज एंसर गाइड करें। क्या लव मैरिज होगा? आप लोग कहीं रिसेंटली घूमने जा सकते हैं गाइस, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो। या फिर अगर आपके पर्सन दूर चले गए थे तो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच, आपके लव्ड वन के बीच कोई अनबन हो चुका था तो यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहे हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहे आपकी जो लव पार्टनर है उनके साथ शादी होने की चांसेस है। वेल्दी मैन, किसी वेल्दी मैन के साथ, हैंडसम मैन के साथ, या फिर रिच वोमेन के साथ, रिच फीमेल के साथ, ब्यूटीफुल वुमेन फीमेल के साथ यहाँ पर आपकी शादी होने के चांसेस है। आपके लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, ठीक है। और हाउस की एनर्जी है जो कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ता कमिटमेंट शादी को दिखाते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो लक है आपको साथ दे रहा है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चले गए थे तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे और उनके साथ शादी होने की आपकी चांसेस है। तो ज़्यादातर लोगों का, जो लोग भी पायल वन चूज किए हैं, अपनी एक्स पार्टनर के साथ शादी होने की चांसेस है, यानी जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे वही पर्सन वापस आने की चांसेस है आपके लाइफ में, ठीक है। प्लीज एंसर गाइड करें, शादी किसके साथ होगा। पायल वन वालों, जो लोग भी सन कार्ड को चूज़ किया था, ए नेम इनिशियल को चूज़ किए हैं, उनका शादी किसके साथ होगा। ओके, आपकी शादी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फ्रॉम फाउंडेशन का कार्ड है, फोर ऑफ वैंस की एनर्जी है। अगर आप अपनी एक्स हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच यहाँ पर सेपरेशन आ गया था तो डेफिनेटली वो ही इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, ओके। और दोबारा उनके साथ लव बिगिंस का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लव बिगिंस दोबारा होगा, ओके। नंबर सिक्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। हारमोनी आप दोनों के बीच आएगा और एक क्लैरिटी कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये लव मैरिज को दिखाते हैं, फॉर्म फाउंडेशन का कार्ड जो कि लव मैरिज को दिखाते हैं, लव मैरिज की एनर्जी को दिखाते हैं। फॉर्म फाउंडेशन यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या लव मैरिज होगा? फॉर्म फाउंडेशन कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं एंजल? अगर पास्ट में आपके पर्सन किसी अदर पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से, मम्मी की वजह से आपको छोड़ के गए थे तो डेफिनेटली वही इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे। हालांकि थोड़ा टाइम लग सकते हैं लेकिन उनके साथ ही आपको शादी होने की चांसेस है। कॉल मैसेजेस रिसीव होगा उनकी तरफ से डेफिनेटली। नंबर सिक्स एंड एट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगस्त मंथ एंड जून मंथ में ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर उनके साथ आपका कमिटमेंट फिक्स हो सकता है, इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी है। और यस, जैसे कि मैंने बोला, अगस्त मंथ एंड जून मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए कुछ नेम इनिशियल देख लेते हैं ताकि आप और ज़्यादा इसको रिकनेक्ट कर सको। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं जब यहाँ पर देखिए, ये कुछ नेम इनिशियल आए हैं, होप आपको दिख रहा है अच्छे से। एम आए हैं, डब्ल्यू आए हैं और ए भी यहाँ पर आ चुके हैं फिर से। एक्स
डबल ए आए हैं तो ज़्यादातर लोगों के लिए ए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, एम प्रोमिनेंट हो सकते हैं, एल जेड क्यू एंड यहाँ पर डबल ओ आए हैं, ठीक है। ये है नेम इनिशियल आपके पार्टनर की, हो सकता है अगर नेम इनिशियल मैच नहीं भी कर रहे तो भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ये रिजल्ट आपको देख सकते हैं कि आपका पुराना लव पार्टनर के साथ ही आपका शादी होने के चांसेस है। सो ये है पाइल नंबर वन। सो टाटा पाइल नंबर वन, होप आपको रेजोनेट किया है, अच्छा लगा है रीडिंग। तो चैनल नेम ज़रूर याद रखें और रीडिंग देखने के लिए वापस ज़रूर आए मेरे चैनल पर। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर टू, जो लोग भी पाइल टू को चूज़ किया है, इस खूबसूरत सा कार्ड को चूज़ किया है और बी नेम इनिशियल को चूज़ किए हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो कार्ड्स को मैं रख दे रही हूँ और देखती हूँ कि आपका लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। चलिए प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी बी को चूज़ किया है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स को चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज होगा मेरे व्यूअर्स के। जो लोग भी पाइल टू को चूज़ किया है, लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं, ठीक है। आपका स्लीपलेस नाइट है, रात को सो नहीं पा रहे हैं और किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपकी हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं अपनी पर्सन को, या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, उनको सर्च करते हैं आप बहुत ज़्यादा, आपके साथ उतने अच्छे से बातचीत नहीं होता है, जब भी बातचीत हो रहा है रूट कम्युनिकेशन हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकते हैं, यानी आपका जो फिलहाल जो रिलेशन है वहाँ पर आपको हैप्पीनेस नहीं दिख रहे हैं, आप काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी में है, साथ ही साथ बातचीत होता है तो उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलता है, उतनी अच्छे से बातचीत नहीं होते हैं, लेस टू नो कॉन्टैक्ट में आप है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितना हो सके आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड है, कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है आपके लिए। फाइव ऑफ सोर्स की कार्ड यही दिखा रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन है या तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, लड़ाई झगड़े होना, और आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको चीट कर रहे, धोखा दे रहे, या फिर कोई ना कोई झूठ बोल रहे, इस टाइप की भी एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, ठीक है, और आप किसी और को चाहते हैं लेकिन वो रिश्ता भी आपका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में आपके लिए विक्ट्री वेट कर रहा है, सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपकी तरह एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर आने वाले हैं, कोई अप्रोच आपको करने वाले हैं, आपको थोड़ा यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और आपके पास आपके लाइफ में दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज भी है, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। विक्ट्री कब तक मिल सकता है मेरे व्यूअर्स को कलेक्टिवली? आपके लाइफ का ये जो बैड फेस है, दी वर्ल्ड कार्ड आए हैं, वो साइकिल ख़त्म होंगे और आपको अपने करियर में फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सेल्फ लव की आने की ज़रूरत है। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यहाँ पर ये जो लड़की है झूले में है और इसमें इसने जो है एक फ्रूट्स को खा रहे हैं, हैप्पी है, इनके पास पैसा है, पेंटिकल है, और ये लड़की सिंगल है, इनके आसपास कोई भी नहीं है। तो डेफिनेटली आप जहाँ पर भी है, जिस भी सिचुएशन में है, आपको अकेला जीना सीखना है और यहाँ पर जो है आपको अपने करियर में फोकस करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, या तो फिर अगर आप करियर के लिए नहीं भी करते हैं तो भी यहाँ पर आपको जिन भी सिचुएशन में आप है वहाँ पर आपको हैप्पी रहना सीखना है, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग तो बहुत मेहनत भी कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, हार्डवर्क करते हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा है, या तो फिर लव लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखते हैं और आप स्पाई करते रहते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। साइन यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइन आ चुके हैं। और देखिए बॉटम से यही आपने चूज़ किया था ना,
इस कार्ड को आपने चूज़ किया था और यही कार्ड आपके रीडिंग में भी आ चुके हैं, तो डेफिनेटली 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन है जिसकी वजह से ये कार्ड भी आ चुके हैं। सजिटेरियस है यहाँ पर राशि। सो एक्यूरेस लिब्रा जेमिनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपका जो करंट सिचुएशन है बहुत ही टफ चल रहा है, ठीक है, बहुत ही आप बुरे वक्त से गुजर रहे ऐसा कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। प्लीज एंजल गाइड करें, जो लोग भी पाइल नंबर 2 को चूज किया था उनका लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग पाइल नंबर 2 को चूज किया था, बी नेम इनिशियल एंड क्वीन ऑफ वैंस को चूज किया था, लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा मेरे व्यूअर्स के। प्लीज एंजल गाइड करें, आप बहुत चिंतित हैं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, प्लीज एंजल गाइड करें मुझे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है आपको, फाइनेंस भी आपका सही नहीं जा रहा है। मैसेजेस आपके कोई बड़े की तरफ से आपको गाइडेंस रिसीव हो सकता है, किसी की मैसेजेस आ सकता है, किसका मैसेज आएगा प्लीज एंजल गाइड करें। फ्यूचर में कोर्टशिप यहाँ पर हो सकता है आपकी पर्सन की, यहाँ पर मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप अपनी मैरिज लाइफ को लेके काफी कॉन्सर्न है, काफी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, ठीक है, तो चिंतित काफी नजर आ रहे हैं मुझे। और आपको एक न्यू रास्ता मिलने वाले, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं या फिर कोई न्यू ऑप्शन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऑफिशियल पर्सन, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है या फिर आ सकते हैं जो कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब करते होंगे, कोई सरकारी नौकरी करते होंगे यानी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, इस टाइप के कोई इंसान के साथ आपका शादी हो सकता है या फिर वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करेंगे। लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज, प्लीज एंसर गाइड करें मुझे। आपकी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हेल्थ इशू है, कुछ लोगों का डिवोर्स वगैरह हो चुका है या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, इस टाइप की एनर्जी है, लेकिन चेंजेस आएंगे। देखिए ग्रेट फॉर्चून का कार्ड विद द चेंज कार्ड बॉटम द डेक, तो अल्टीमेटली चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको एक्सपेक्टेशन है आपकी पर्सन वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। ग्रेट फॉर्चून, कैसा ग्रेट फॉर्चून, क्या लव मैरिज होगा, प्लीज एंजल गाइड करें। क्या लव मैरिज होगा इस रिश्ते में, क्या लव मैरिज होगा। आपके पर्सन ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, ठीक है, न्यू बिगनिंग आपके तरफ आ रहा है या तो फिर आप लोगों का चाइल्ड भी यहाँ पर है इन्वॉल्व। लव लाइफ के लिए बहुत परेशान आप हैं, यहाँ से कोई भी मुझे आप दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी शादी किसके साथ होगा, लेकिन हाँ एक न्यू बिगनिंग या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके तरफ आ सकते हैं। ग्रेट फॉर्चून, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, पाथ वे के साथ यहाँ पर कोर्टशिप, ठीक है, जब आप मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ोगे, तभी आपके लाइफ में या तो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, यानी आपके लव्ड वन के साथ शादी होगा, मतलब अगर कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आए उनको आप प्यार करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी एक प्यार का रिश्ता होगा। ऐसा नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती शादी कर रहे हो फैमिली की मर्जी से या फिर कुछ, अगर कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है तो भी यहाँ पर जो है आप लव मैरिज ही करोगे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है कि लव मैरिज ही होगा आपका। चलिए इस डेक से देख लेते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें मुझे, डायरेक्टली आंसर दें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी पाइल 2 को चूज किया है, क्या यहाँ पर लव मैरिज पॉसिबल है या फिर अरेंज मैरिज। लव मैरिज होगा मेरे व्यूअर्स का या फिर अरेंज मैरिज, प्लीज एंजल गाइड करें। लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। आपको अपनी पावर में आना होगा, जिस वजह से चेंजेस नहीं आ रहे, पावर में यानी अकेला हैप्पी रहना सीखो, जो भी सिचुएशन में आप हो उसमें ही हैप्पी रहो, खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद के लिए जियो पहले। किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, दो कार्ड्स गिर गए हैं नीचे। किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, मूविंग ऑन का कार्ड है, तो जिन भी पास्ट के रिलेशनशिप को, पास्ट को पकड़ के आप बैठे हैं, वहां से आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना होगा, खुद के करियर में फोकस करनी होगी, तब जाके आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा, ठीक है। और आप किसी की कॉल मैसेजेस की इंतजार में यहाँ पर हैं,
तो जब आप मूव ऑन करेंगे या तो वही पर्सन वापस आ सकते हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, और उनके साथ ही आपकी आगे की फ्यूचर या फिर शादी हो सकता है। किसके साथ शादी होगा प्लीज इनसे कट करें। आप यहाँ पर थोड़ा बहुत लाभ का अरेंज आप पकड़ सकते हैं कि आप पुरानी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, तब जाके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और फिर बॉटम से आए विश फुलफिलमेंट। तो जैसा आप चाहोगे उसके बाद वैसा ही होगा, ठीक है? जैसा आप चाहोगे, लव मैरिज करना चाहोगे अपनी पसंद से तो होगा, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहेंगे तो होगा, ठीक है? विश फुलफिलमेंट विद द न्यू बिगिनिंग कार्ड्स, ठीक है? पॉस्पिटिव बिगिंस, यानी डिवाइन ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप स्ट्रांग बन सको और अकेला जीना सीख सको, किसी के ऊपर, किसी भी रिश्ते के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहे, किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुआ है। या तो फिर आप पकड़ सकते हैं कोई ना कोई बैड कर्मा से, अगर होना है तो हम क्या कर सकते हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड, क्या लव मैरिज होगा इस रिश्ते में? यस, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है? तो इस पाइल के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये अरेंज मैरिज का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, ट्रेडिशनल वे से शादी होना, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके शादी करना, इस टाइप की भी एनर्जी को दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड, तो ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है किसी पास्ट की रिलेशनशिप से, ट्रॉमा से आप मूव ऑन करोगे, खुद के लिए जियोगे और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आएगा। और यहाँ पर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका विश फुलफिल होगा और दोनों की मर्जी से, फैमिली की मर्जी से, आपकी मर्जी से यहाँ पर शादी होने की चांसेस है, यानी लव काम अरेंज होने की चांसेस है पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 9 है, सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जनवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो जनवरी, सितंबर एंड नंबर 6 भी आप पकड़ सकते हैं, जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो इस मंथ में या तो कोई पर्सन आएगा, या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग का टाइम रहेगा, या फिर कमिटमेंट शादी के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था आपका रीडिंग, होप आपको पसंद आया है, रेसोनेट किया है, चैनल पे न्यू आया है, रीडिंग अच्छा लग रहा है, चैनल नाम को याद रखें, मेरे साथ बने रहे ताकि आपको इस टाइप की रीडिंग मिलता रहे, आप सुनते रहो, ठीक है? तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।